व्हाट इज चुंबू? झिंगल लाला है। वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी लाइफ। क्या हो रहा है, क्या पक रहा है? अरे मैंने कृति को 3 दिन से रोक के रखा था कि मैं तुमको दाल मखनी नहीं बना रही हूँ, आपने प्रॉमिस किया था। तो कल तो मेरा थोड़ा सा तबीयत भी खराब था, सर भारी हो गया था, तो वही मैंने उसको बोला था कि मैं कल करूँगी पक्का प्रॉमिस। तो आज लेट हो चुका था, 8:30 टाइम हो गया था, फिर भी मैं बना रही हूँ। अभी 9:30 टाइम हो गया है और आज तो मुझे उसको देना ही है ना। कृति ने कितना वेट किया। आ गई वो मजा देखो। बोल रही है कि मैं बैठी रहूंगी तो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। उल्टा मतलब मम्मी पापा को ही सिखा दे। ओके तो ये है हमारा आज का डिनर पार्टी कृति का। ये बहुत सावधान में लेना, बहुत सावधान में, इतना सावधान में कि आप गिरा दिया, खला दिया। नेम नहीं करने। हाँ थैंक यू, वेलकम। माँ का थैंक यू बोलिए ना। थैंक यू। हाँ कृति का मनपसंद डिनर बन गया आज, है ना? एकदम। हाँ, छीरे दो। कौन दी की ताकत चीज? छीरे दो। दाल मखनी है। बाप रे। हे गाइस, सो वो कृति अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर रही है, ये रहा अतुल उसमें, और मैं ना जस्ट नहा के आ गई हूँ कुकिंग करने के लिए। ऑलमोस्ट मेरा कुकिंग डन है, जस्ट ये खसखस की सब्जी मुझे बनाना है। आज मैं पालक आलू के साथ खसखस बना रही हूँ, और करेला आलू ऑनियन फ्राई किया है मैंने, और दाल लौकी के साथ बनाया है। चलिए दिखा लेते हैं। ये है लौकी और मूंग की दाल, करेला आलू फ्राई। गैस पे मेरा बन चुका है, बन रही है मेरी खसखस की सब्जी। तो इसमें मैं खसखस डाल दूँगी तो ये बन जाएगा। एक्चुअली मुझे ना मार्केट जाना है वेजिटेबल लाने के लिए, क्योंकि अतनु का तो अभी टाइम नहीं होगा, और कृति बार बार मुझे बोल रही है मम्मा मुझे आपके साथ जाना है। उसको पता है कि मम्मा के साथ जाऊंगी तो कुछ ना कुछ मिलेगा। मैंने उसको बोला नहीं, स्ट्रिक्टली मना किया है, क्योंकि अभी केसेस जो है बहुत बढ़ रहा है। और मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि दोनों का ऑनलाइन चल रहा है और अतनु मीटिंग पे है। तो अभी मैं ये जस्ट इसको मतलब ये मेरा बन जाएगा और मैं जाऊँगी। Yeah, he sets my body in motion. He knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's up? They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. Why do I need to be good all the time? I'm wrapped around his finger, but he is mine. Don't care what they say, too late anyway. Why do I need to be good all the time? Yeah, it gets when I'm in a bad mood. Then he knows how to make it. Finally, मेरा सारा काम खत्म हुआ और अभी अतनु बोल रहे कि इतना धूप पे तुम मत जाओ। तो शाम को चले? हाँ शाम को चलते हैं। ठीक है, धूप हो गई। हाँ धूप भी है और शायद अभी सामान भी नहीं आता, फैन के वजह से ना आप लोगों को साउंड का प्रॉब्लम होगा। तो वही अतनु बोल रहा है कि चलो बाद में चलते हैं, तो वही करेंगे। चलो इसके चक्कर में ना जल्दी जल्दी मेरा कुकिंग तो हो गया, और ये अभी गैस स्टोव थोड़ा सा ठंडा होगा ना, उसके बाद मैं इसको क्लीन करूँगी।
देखो 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 कृति मुझे पटा रही है कि मम्मा आपको सब मतलब वेजिटेबल का शॉपिंग नहीं करना है। वो बोल रही है बंगाली में, माँ तुम्हें सब्जी बाजार करते जाबे ना, सब्जी तो वेरी इम्पोर्टेंट, तुम्हारे तो जेते ही होवे है ना। हाँ, तो चलो साथ में, बच्चे अलाउड नहीं है, मुझे जाना है। नहीं मुझे जाना है। उसको क्यों जाना है पता है? हाँ, क्या क्या मुझे गुड़गुड़ भी करना है, कुछ लाना भी। हाँ वही तो, कुछ लाना ही है। माँ आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम, आइसक्रीम है ना घर पे? नहीं वो आइसक्रीम मुझे पसंद नहीं है, मुझे चॉकोबार पसंद है। चॉकोबार पसंद है? वो बोल रही है कि मैं आपके साथ जाऊंगी और मैं कुछ नहीं लूंगी, अभी तक बोल रही थी है ना। अभी बोल रही है कुछ चाहिए, अभी शॉप के पास जाके पता नहीं क्या क्या चाहिए होगा उसको है ना। हाँ। नहीं अभी अभी तो नहीं, मैं अगर तुमको कुछ चाहिए तो मैं लेके आ जाऊंगी, ठीक है? मुझे तुम्हारे साथ जाना है। वो आके मुझे पटा रही है, मेरे हाथ में कैमरा नहीं था तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, कैमरा ऑन होता ही ना उसका जो रिएक्शन होता है ना वो कम हो जाता है। चुम्बू चुम्बू, व्हाट इज दिस चुम्बू? चुम्बू चुम्बू, कृति को एक ब्रेसलेट मिला है। चुम्बू चुम्बू, ये चुम्बू अभी और थोड़ा बड़ा होना है आपको, आपके हैंड को ना और थोड़ा मोटा होना है। देखिए इमनी इमनी करता है, इमनी करता चुम्बू। हां ভালো লাগছে, পড়বে না এটা, পড়ে থাকতে পারিস। চুম্বু 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 চুম্বু, व्हाट इज চুম্বু? एक ही रट, मतलब एक कुछ बोलती है ना तो वही बोलती रहती है। চুম্বু চুম্বু চুম্বু, चलो চুম্বু रेडी हो जाओ। रेडी हो गए। ओके तो अभी टाइम हुआ है 4:30 और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। जी हाँ, हम लोग मीन्स हम दोनों। हाँ, क्योंकि कृति ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मैं वो सो गई थी, 4 बजे मैं उठी और जब मैं उठी ना तो उसे उसने ऐसे मुझे देखा, ऐसे मतलब वो सोई नहीं थी। मैंने उससे पूछा सो गए थे तो बोला हाँ मम्मा थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। तो वही देखो अभी रेडी वेडी है, मेरे साथ उसको जाना है। चलो, और अतनु नहीं जा सकते, उसका काम है। और अभी शाम के टाइम जाऊंगा ना, क्योंकि उतना लेट अगर खाना वाना बना के अगर गई तो कृति का और सामान भी अच्छा नहीं मिलेगा, सामान भी अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि सामान एकदम से रूखा सूखा, लास्ट टाइम तो हम लोग को रूखा सूखा ही मिला। हाँ, एकदम से सूखी सूखी सब्जी मिली थी। तो वही अभी हम लोग जा रहे हैं और आके मैं खाना बनाऊंगी। और वैसे भी ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, वेजिटेबल ही लेना है। देखो मार्केट गई मैं और सामान लेके आ रहा है अतनु। बैग बहुत भारी था, मैं छोड़ के आ गई थी, और राइस का पैकेट भी था ना, तो वही राइस का पैकेट में लेके आई। इधर ही रख दिया। और अतनु का चल रहा था कॉल और हम लोग गेट के पास मतलब मिनिमम 5 मिनट से 10 मिनट ऐसे खड़े थे। 10 मिनट? हाँ है ना कृति। कृति तो मेरे पहले आई थी। पापा क्या बोल रहे थे? डन। पापा बोल रहे थे ना कि गले में छन्नी है क्या? छन्नी मतलब छाकनी जेटा दी चाचे की। झिंगल लाला है। हाँ। या और कुछ है? मुस्टाच बन गया है यहाँ पे, वाइट बिल्ली जैसा। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बच्चों का खेलना देख रहे हो, बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो जस्ट मैं बैठी थी थोड़ा बहुत एडिटिंग करने के लिए, बट जो एडिटिंग का टाइम था ना मेरा, उस टाइम में मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि अतनु को थोड़ा काम था तो उसने बोला कि तुम घूम के आ जाओ। अदरवाइज हम लोग शाम को जाते हैं, और शाम को जाते हैं ना तो कृति भी साथ में जाती है। वैसे तो कृति साथ में ही गई थी, बट उसका स्टडी कुछ खाना बनाना ये सब नहीं होता है, तो मैंने बोला ठीक है मैं चली जाती हूँ।
तो आज तो व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि आज व्लॉग डालने में बहुत लेट हो जाएगा, मतलब मेरा एडिटिंग आधा भी नहीं हुआ है तो वो सब करते करते बहुत लेट हो जाएगा। तो चलिए आज तो व्लॉग नहीं दे पाऊँगी, अभी मैं दिया करूँगी और शाम भी हो चुका है क्योंकि इस टाइम के बाद ना एडिटिंग करने जाते हुए पूरा खिचड़ी बन जाता है, तो आज तो नहीं जाएगा व्लॉग, सॉरी। कल मिलते हैं पक्का, लेकिन आज तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, कल मिलते हैं। और दिया करने के बाद मैं आ गई हूँ जो सारे सामान मैं लेके आई हूँ उसको रखने के लिए। और इस मंथ की जो ग्रॉसरी शॉपिंग मैंने की थी उस टाइम मैंने राइस का पैकेट नहीं लिया था, तो आज लेके आई। और सारे जितने भी वेजिटेबल है उसको मैं क्लीन करूँगी। वैसे तो कोरोना के चक्कर में सारा वेजिटेबल क्लीन करती थी, लेकिन उससे पहले भी मैं जब भी वेजिटेबल लेके आती थी वेजिटेबल को थोड़ा बहुत पानी से क्लीन करके उसके बाद उसको फ्रिज में रखती थी, तो वही मैं कर रही हूँ। और मतलब लास्ट ईयर की तरह इतना तो नहीं करती हूँ, बट हाँ पानी से क्लीन तो करती हूँ। थोड़ा बहुत सॉल्ट डाल के भी मैं रख देती हूँ उसको अच्छी तरह से क्लीन करने के लिए, जैसे टमाटर वगैरह करेला ये सब सॉल्ट डाल के क्लीन करती हूँ तो अच्छे से क्लीन होता है। अदरवाइज़ जब मैं कुकिंग करती हूँ उसमें हल्दी डालती हूँ वो भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल जो है वो अरेंज करके रख दिया है, अब मैं इसको फ्रिज में डाल दूँगी और इस जगह को जो है क्लीन कर लूँगी। और अभी मैं डिनर के लिए बना रही हूँ तुरई आलू की सब्ज़ी, एकदम पतला करी टाइप का बना रही हूँ क्योंकि गर्मी में ना कुछ हैवी नहीं बना रही हूँ और रात का भी टाइम है, मतलब डिनर में थोड़ा बहुत हल्का ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही मैं थोड़ा बहुत जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, सॉल्ट ये सब डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसको उबाल लूँगी। चलिए देखते हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। डस्टबिन बिछाना ऊपर उठाया जगह नो बहुत अच्छा से काम हो रहा है। एक्टिविटी का प्रिपरेशन चल रहा है कृति का। yes. उसके पापा उसको हेल्प कर रहे हैं। yes. हो गया या और भी है? और भी है, हाफ हुआ है, हाफ बाकी। अच्छा चलो खाना खा ले, चलो इसके बाद। गया इसके बाद हम कल सुबह करना था। और यहाँ पे उसने 20 कट करते बोले थे। अच्छा आर की स्क्वायर रेक्टेंगल आर की टेल व्हाट यू आर डूइंग विद दैट हैं व्हाट यू आर डूइंग विद दैट की बोले बोलम जे आर की स्क्वायर सर्कल है स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर ओके। चलो पहले खाना खा लेते ना उसके बाद करते हैं ना। हां ये है कृति का दाल मखनी, कल का दाल मखनी और रोटी, यम्मी है। ये मेरा राइस है, कुछ दिनों से मैं ऐसे ही खा रही हूँ, एकदम से सिंपल राइस। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलते हैं, और हाँ नए फ्रेंड है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड बी सेफ।